सो गाइस, आपके प्रदीप सर का ब्लॉग का चैनल ये आपके सामने है। बस आपको क्या करना है, अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाना, जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो। अब आपको सपोर्ट दिखाने की बारी है, आपकी है गाइस। अभी मैं निकल रहा हूँ, ये पार्किंग है मेरा, और अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, और वहां से जाऊंगा वो आपको दिखाने, जहां से मेरा पार्ट स्टार्ट होगा, पार्ट वन माय स्टोरी का, कि ये गिरी ट्यूटोरियल स्टार्ट कहां से हुआ। हो सकता है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गाइस, कि अगर जो जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी करके एक बहुत अच्छे पोजीशन तक पहुंच सकता है गाइस, बस स्टार्ट करना जरूरी होता है। सो गाइस, लगे रहो साथ पे और सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहो। सो गाइस, फाइनली किस किस को दिख रहा है गिरी ट्यूटोरियल का बड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा गाइस, ये देखो। पर इस पे मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा पूरे क्लासरूम पे, वो आएगा अगर आप कमेंट करोगे तो। सो गाइस, ये है पूरा हमारा अड्डा, बाकी कंप्लीट टूर मैं दूंगा जल्दी ही अगर आप कमेंट करोगे तो। और बहुत अच्छा मैंने इसको बनाया हुआ है, कंप्लीट मेरा ये ऑफिस सभी बताऊंगा मैं। ओमकार सर, हाय करो। सो गाइस, ये जो सामने आपको दिख रहा है ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं, ये गिरी ट्यूटोरियल के ऑफलाइन बैच के 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का प्रीलियम एग्जाम है, जो हम पहले लेते हैं, जिससे बच्चों की तैयारी पूरी तरह से हो जाती है। सो गाइस, सब बच्चे लिख रहे हैं अपने एक पाठक। कहाँ चलना है? जाना है पुराने वाले घर पे। चले मेरे जिंदगी का जो भी अहम पल बीता है गाइस, जो भी अच्छा पल बीता है, मैं बोलूंगा इन्हीं गलियों में बीता है, क्योंकि भले इन गलियों में मैंने वो दिन देखे हैं, वो पल देखे हैं, बट मेरी शुरुआत इन्हीं गलियों से हुई है। और जहां आपकी शुरुआत होती है वो जगह भी आपके लिए स्वर्ग के समान होता है। सो गाइस, ये जगह तो मेरे लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिरी ट्यूटोरियल की शुरुआत इन्हीं गलियों से हुई थी, और क्यों हुई थी वो तो स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, कि हमने क्यों स्टार्ट किया, प्रदीप सर ने क्यों ऐसा सोचा कि उन्हें एक टीचर ही बनना चाहिए, और क्यों गाइस इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि प्रदीप सर क्यों टीचर बने। फाइनली गाइस, मैं अपने घर तक आ गया हूँ और अब मैं उसका लॉक ओपन करने जा रहा हूँ। सो गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना जो घर है, ये घर बहुत बड़ा है। आ जाओ अपना सर अंदर, लाइट वेट नहीं है गाइस, लाइट का कुछ पता नहीं, वहां से देखो बटन लाइट चालू होते हैं। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा यही वो घर है जहां से हमने स्टार्ट किया था अपना गिरी ट्यूटोरियल। अभी देखो आज तक मैं बताना चाहूंगा, पाठक 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 इधर आ जाओ, ये देखो ये वो, ये पर्दा वो है कि आज भी यही पर्दा लगा हुआ है, और ये विंडो वो है कि आज तक इसके अंदर गाइस अभी तक कभी भी क्या बोलेंगे यार गुड, मतलब कुछ हमने पैक ही नहीं किया, ऐसे ओपन ही है। ये देखो मेरे शब्द अभी यहाँ आके मेरे शब्द कम पड़ जा रहे हैं, क्योंकि मैं सब देख रहा हूँ तो याद आ रहा है, यही घर है जहां तक गिरी ट्यूटोरियल की स्टार्टिंग हुई थी। ये देखो कितना बड़ा घर है, ऊपर से चारों तरफ घुमा दो। और गाइस चलो मैं बाकी चीजें ऊपर बताता हूँ जो मैंने बाद में बनाया था। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपने देखा ना वो भी हमने बाद में किया था, उसके पहले वो इतना गड्ढा था, और उस गड्ढे के ऊपर जितना मेरी हाइट है उतना ऊपर वो तो हमने बाद में काम किया, जो हमने क्लासेस स्टार्ट किया 2006। देखो ये कुछ फोटोज है, ये आपके राहुल सर के कुछ फोटोज है, ओके, ये हमारे 2012 एंड 2013 का कुछ फोटो है, और आपको दिखाना चाहूंगा ये देखो गाइस, ये पहला बोर्ड है, ये पहला बोर्ड है वो आज भी लगा हुआ है, यहाँ के मुझे फील हो रहा है, ये पहला बोर्ड है जिसपे हमने लिखना स्टार्ट किया था, और जो क्लास है हमारा वो नीचे था, और नीचे जब हमने स्टार्ट किया था सो उस समय वहां रेती था और ऊपर पत्रा था, ये तो बाद में हमने थोड़े दिन क्लास चला के अपनी अर्निंग से ये स्टार्ट किया, और आप देख रहे हो ग्रीन ट्यूटोरियल कहां से कहां बढ़ गया। और दिखाना चाहूंगा बाहर, उनका सर बाहर दिखा दो,
कोई भी चीज इतना जल्दी आपको नहीं मिलता। आपको धीरे धीरे ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट है कि कहां से मैंने क्या स्टार्ट किया हुआ है। इसके बाद आप देखोगे आप जो ग्रीन रोडर का बोर्ड है वो यहां से स्टार्ट होकर डिजिटल बोर्ड तक जाने में कम से कम पूरा मिला के देखो तो 16 साल लग चुका है इस बोर्ड से उस बोर्ड डिजिटल बोर्ड तक जाने के लिए। इवन जो हमने क्लासरूम लिया उसका भी मैं टूर दूंगा। पहले आप ये देख लो, सबसे पहले वो नीचे वाला क्लासरूम था जो 10x6 उसमें हम रहते भी थे, उसी में हम पढ़ाते भी थे, उसी में अपनी पढ़ाई भी करते थे और उसी में टॉप भी मारते थे। और इसके बाद ये यहाँ हमने अपना ये ऊपर जब हम थोड़े पैसे मिलने लगे तो मैंने उसको डबल किया। ये ऊपर भी देखो ये पत्र ये आज भी वो फैन है और जिसके अंदर ये देखो वही फैन है जो हमने एक्स्ट्रा लगाया था, ये फैन वही है। सो गाइस इस तरह की ये बहुत स्टोरी है, मेरे ख्याल से आपको पसंद आई होगी। सो गाइस अगर आप मान करोगे तो नेक्स्ट जो मोटिवेशनल स्टोरी रहेगा ये मेरे क्लास का टूर रहेगा कि जो अभी इस क्लास से वो क्लास कैसा चेंज हुआ, कंप्लीट टूर दूंगा, कंप्लीट ऑफिस का टूर दूंगा। बट गाइस वीडियो कैसा लगा आज के लिए बस इतना ही कि प्रदीप सर की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई वो इसी जगह से स्टार्ट हुई, तो ये इस जगह से मेरा लगाव बहुत ज्यादा है। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे वो फीलिंग होती है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। और बाकी अपना प्यार एंड सपोर्ट दिखाओ जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। सो गाइस थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू, जय हिंद गाइस। ये बेल लगाया तो बंद नहीं कर गई थी सर।